हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह का इस्तीफा, महिला कोच ने लगाया बड़ा आरोप। हरियाणा में राहुल गांधी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, यात्रा के सवाल पर अनिल विज का जवाब। फिर बम धमाके से दहला राजौरी, 5 लोग घायल, कल हुई आतंकी हमले के खिलाफ हो रहा था प्रदर्शन। पानी में हुए रेल हादसे की अश्वनी वैष्णव कर रहे हैं मॉनिटरिंग, रेलवे के आला अधिकारियों को दिए निर्देश। बीएल संतोष का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा होगा अहम, कई मुद्दों पर होगा मंथन। साल 2022 में हार कर घर बैठ गए सियासी दिग्गज, कुछ की चुनावी राजनीति पर लगा विराम। बेंगलुरु में व्यवसायी ने कार में खुद को मारी गोली, सुसाइड नोट में भाजपा एमएलए लिंबावली का नाम, लगाए आरोप। टीडीपी ने भगदड़ के लिए जगन मोहन रेड्डी सरकार को ठहराया जिम्मेदार, 3 लोगों की हुई थी मौत। परिवार संघ पुडुचेरी से लौटे सीएम शिवराज सिंह चौहान, आज मंत्रियों को देंगे चुनावी टिप्स। सिवान में भीषण कोहरे के बीच चोरों ने बीएसएफ के जवान के घर को बनाया निशाना, उड़ाए 16 लाख के गहने। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।